देश के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज जन्मदिन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर जिले की तहसील डेरापुरा कानपुर देहात के छोटे से गांव परोख में हुआ था। कोविंद के जीवन से एक शब्द ऐसा जुड़ा जिसने उनकी तकदीर ही बदल कर रखी। आज हम उसी शब्द के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कोविंद के परिजनों और मित्रों की माने तो उनके खास व्यक्तित्व प्रतिभा के साथ ही र शब्द ने उनकी किस्मत बदल दी। राज से रामनाथ के रूप में शुरू हुआ सिलसिला राज्यसभा सांसद राज्यपाल होते हुए राष्ट्रपति तक जा पहुंचा। जीवन में पहली बार भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरने वाले रामनाथ कोविंद पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ने के बावजूद हार गए। इस हार से वह बेहद निराश हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। ऐसे समय में उनके दूसरे नंबर के भाई शिव बालक राम कोविंद ने उन्हें पिता की तरह ढांढस बंधाया। बड़े भाई की तरफ से कही गई एक एक बात को रामनाथ कोविंद ने आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया। शिव बालक ने रामनाथ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, तुम्हारा नाम राम है। राम शब्द र से शुरू होता है। यही र तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। आज जब रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति हो गए हैं तो स्वर्गीय राम बालक की पत्नी रामनाथ कोविंद की माँ समान भाभी विद्यावती कोविंद की आंखें अपने पति की बातों और अपने लल्ला को याद कर खुशी से छलक पड़ी। कहने लगी, उनके आशीर्वाद से लल्ला पहले राज्यसभा सांसद हुए, फिर राज्यपाल और अब राष्ट्रपति हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज भी उनके गांव वालों के दिलों में इस कदर हैं कि हर जुबान उनकी विनम्रता और शिष्टता के चर्चे करते नहीं चूक रही। आज उनके जन्मदिन के मौके पर गांव के छोटे बड़े सभी उनकी चर्चा कर रहे हैं। उनकी शीलता, उनकी शालीनता और सीधे स्वभाव से हर कोई कायल है। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।